हेलो। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हमारे यहाँ लगभग पूरे भारत में जितिया माता की पूजा होती है। तो आज हमारे घर पे भी जितिया माता की पूजा होने वाली है। तो इस पूजा में पूरा गांव एक साथ बैठता है, पूरे गांव की औरतें आती हैं। ये देखिए हमारी बड़ी मम्मी हैं, ये गाय का गोबर बीच में रख के उसका पिंडी बना दिए हैं शिवलिंग के जैसा, और उसके चारों तरफ अड़हुल का फूल लगा के सजाई हैं। फिर उसके बाद चमेली का फूल है, उसको और सुंदर बना रही हैं, धीरे धीरे सजा रही हैं। तो ये जब पूरा सज जाएगा तो अभी पूरी गांव की औरतें यहाँ गोला बना के बैठेंगी, जिससे भी पूजा स्टार्ट होगी। इस पूजा में 5 कथा लोग कहते हैं, पूरा गांव के सब बच्चे रहते हैं, सब सुनते हैं बढ़िया से। उसके बाद ये धीरे धीरे पूजा समाप्त होती है। जब 5 कथा समाप्त हो जाती है तो ये पूजा भी समाप्त हो जाती है। फिर अगली सुबह जो भी प्रसाद यहाँ रहता है वो तुरंत नहीं मिलता खाने के लिए, तो अगली सुबह का इंतज़ार हम लोग करते हैं। फिर अगली सुबह हमको जो भी प्रसाद रहता है वो मिलता है खाने के लिए। ये व्रत काफ़ी मुश्किल भरा होता है क्योंकि जो भी औरतें ये व्रत करती हैं उन्हें 36 घंटा निराजल रहना पड़ता है, ना वो कुछ खाती है ना कुछ पीती हैं। तो 36 घंटा बाद ही जाके वो पानी पीती हैं। तो हमारी मम्मी में भी हैं अभी, आज सुबह से ही कुछ खाई पी नहीं है, अभी पूरा रात नहीं खाएंगी, फिर कल जाके कभी खाएंगी। तो अभी ये चलता रहेगा जब तक ये पूजा ख़त्म नहीं होगी। ये पूजा काफ़ी लंबी होती है। ये कल शाम का एक खाना खाई है, पूरी रात बीत गई, आज पूरा दिन बीत जाएगा। और फिर ये आज रात को जब भी रात बीतेगी तो ये 4 बजे सुबह 5 चना जो होता है वो गंगा जी में विसर्जित करती हैं, और 5 खड़ा चना ये खुद निकल जाती हैं बिना कूचे, तब जाके इनका व्रत पूरा होता है। उसके बाद ये कुछ खाती पीती हैं। इस व्रत की मान्यता है कि ये व्रत जो औरतें करती हैं उनके बच्चों की उम्र लंबी होती है, दीर्घायु होती है, तो इसलिए ये व्रत रखी जाती है। काफ़ी मुश्किल व्रत है ये, फिर भी ये परंपरा चली आ रही है बहुत पहले से, अभी तक ये निभाई चली जा रही है। ये देखिए हमारी सबसे बड़ी मम्मी जो धीरे धीरे आ रही हैं, अभी ये सबसे पहले पूजा मंडल में बैठेंगी और साथ में हमारी मम्मी इन्हें धीरे धीरे लेते आते हुए। अभी देखिए शुरुआत हमारी मम्मी की है और ये धीरे धीरे गोला बढ़ता जाएगा। ये देखिए हमारी छोटी बहन और हमारी बड़ी मम्मी फल लेके आ रही हैं अंदर से। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे दूसरे फल तैयार है। यहाँ से वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है ताकि ज़्यादा आपका समय ना लगे, पर आगे चल के वीडियो मैंने सही कर दी। देखिए अभी लोग सबके घर से ये सब अपना अपना सामान लेके जो भी पूजा की थाली है वो लोग आ रहे हैं, तो पूरा ही धीरे धीरे करके ये पूरा बरामदा भर जाएगा। और ये पूजा काफ़ी लंबी चलती है, अगर मैं इसकी पूरी वीडियो डालता तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाती है, तो इसीलिए जहाँ तक हो सका है वहाँ तक फॉरवर्ड कर दिया, थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। फिलहाल अभी तक तो चल ही रहा है। अभी देखिए सारी औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं छोटी, वो थाली लेके फल वगैरह जो भी है उसमें जो भी सामग्री पूजा की है वो लेके आ रही हैं। तो कुछ लोगों को तो यहाँ जगह नहीं मिलती क्योंकि इससे पहले जो पूजा होती थी सामने हॉल में होती थी, तो बारिश के कारण वहाँ थोड़ा सा गीला हो गया मौसम, इसलिए वहाँ पूजा नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये जो गोला है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बारिश की वजह से ये यहाँ पर आज पहली बार हुआ है कि इस गाँव में कि 2-3 जगह ये गोला बना हुआ है जो भी पूजा की बैठने का स्थान है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये चाची हमारी हैं, थोड़ा सा उनको अभी जगह नहीं मिल रही है क्योंकि ये जो पिलर्स हैं उसकी वजह से इसका फैलाव नहीं बन पा रहा है, बारिश के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी चल रहा है ये जो भी है। तो चलिए वीडियो देखिए आप, फिर मैं मिलता वीडियो क्लास में।
अभी देखिए जो कहानी है इस पूजा की, ये पहली कहानी जो अभी शुरू होने वाली है, तो आप सुनिए इसको ध्यान से। इसमें इस पूरे पूजा में 5 कहानी होती हैं। तो 5 कहानी हो गई हैं, पूजा लगभग समाप्त है। अब ये अपना अपना सामान जो भी आखिरी प्रचन कर रहे हैं वो लोग अभी घर जाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, जो भी गार्जियन हैं वो आ रहे हैं, अपना थाली वगैरह लेके जाएंगे, क्योंकि जो भी मम्मी हैं औरतें हैं वो लोग पिछले 24 घंटे से अभी तक कुछ नहीं खाई हैं। तो जो भी लड़के होते हैं या फिर जो भी गार्जियन होते हैं वो साथ में आते हैं, तो थाली लेके जाते हैं अपने घर। तो देखिए कैसे लोग जा रहे हैं।
तो पूजा समाप्त हो गई है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।